हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं हूँ आपका शारथी पीयूष भारती। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग अपनी हिस्ट्री की जो चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर को आप लोग को समझना है। हिस्ट्री का चैप्टर जो आप लोग का दिया गया है, पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर है आपका राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड के, ठीक है। राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग सारे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारे देखने को मिलेंगे, वो भी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। बात होगी आप लोग को क्लियर, ठीक है। चलिए तो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस की आप लोग को तैयारी करवाते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला चैप्टर का उसके बाद हम लोग हैं आते हैं अपनी इस की में कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले आपका बिहार बोर्ड का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, क्लियर बात। चले तो अगर हम लोग आप लोग को नोट्स लेना है, क्या लेना है नोट्स। चलिए भाई, नोट्स लेना है इन लोग को। आप लोग को अगर नोट्स लेना है इस क्लास के, तो प्लीज़ आप लोग ऐप डाउनलोड कर ले। ऐप का लिंक कहाँ पर मिलेगा सर? तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा होगा गेट नोट्स हियर, तो आप लोग उसमें ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग को ड्राइव खुलेगा, उसमें से आप लोग को ऐप का डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसके बाद आपका उसमें नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। चले फ्री में, एकदम फ्री नोट्स, फ्री नोट्स, ठीक। चले तो अपनी आज की पहली क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कौन सा ट्रीटी हमारा हुआ था 1871 में, एक जो ट्रीटी हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? यूरोप में हुआ था, ठीक है, ये बात याद रखना, यूरोप में हुआ था। तो कौन सा ट्रीटी हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ ट्रीटी की बात की गई है, तो कांग्रेस और नॉन ऑफ दिस तो ख़त्म हो गई, पेरिस और फ्रैंकफर्ट में आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में हुआ था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, कौन सा गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश्ड है फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन 1830 के दौरान? तो 1830 के दौरान कौन सा गवर्नमेंट आपका इस्टेब्लिश था? तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था वो इस्टेब्लिश था, ठीक है, वो आपका इस्टेब्लिश था, ठीक। बात होगी क्लियर आप लोग को, ठीक है। चलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक। चले आगे चले, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी का रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा, तो काउंट गेवर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेज़िनी। देखो गैरिबाल्डी और मेज़िनी तो इटली में थे, और ये भी इटली में ही थे, तो बचे कौन हमारे? बिस्मार्क जी। तो चलिए बिस्मार्क को टिक मारिए, ठीक है। इटली में कौन कौन थे या बात याद रख लेना, इटली में थे हमारे केवर जी, ठीक, उसके बाद हमारे थे गैरिबाल्डी जी, कौन थे? गैरिबाल्डी जी, उसके बाद मज़िनी जी, ठीक है, मज़िनी। ये तीनों हमारे इटली में थे, तो सिर्फ एक बिस्मार्क जो हैं वो हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही जर्मनी में यूनिफिकेशन करवाए थे, ठीक है। आगे चलते तो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब हेल्ड हुआ था? जैसा कि हमने पहले वाली क्वेश्चन में पढ़ा, 1871 में कौन सा फ्रैंकफर्ट हुआ था, तो 1871 इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, कौन सा नहीं रिलेटेड है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में? तो इटली में हमारे बिस्मार्क जो हैं वो नहीं रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी? तो हमारे यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी में सबसे बाधाएं कौन आ रही थी, सबसे मेन बाधा कौन थी? तो सबसे मेन बाधा थी हमारी ऑस्ट्रिया साम्राज्य,
कौन थी? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। तो इसमें हम लोग ऑस्ट्रिया को टिक मार देंगे, क्या मारेंगे? ऑस्ट्रिया को टिक मारेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते, हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो चीफ आर्किटेक्ट कौन है जर्मनी का? तो जर्मनी का चीफ आर्किटेक्ट है हमारे बिस्मार्क, ठीक है। चलिए लेनिन तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइंड? देखो फ्रैंकफर्ट बना तो था 71 में, लेकिन उसको साइन किया गया था 72 में, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इमैनुअल अपॉइंटमेंट काउंट केवर। तो काउंट केवर ने इमैनुअल ने काउंट केवर को कहाँ भेज दिया था? तो प्राइम मिनिस्टर के पद पर उसको भेज दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन किसने दिया था? तो वो बिस्मार्क ने दिया था। किसने दिया था? बिस्मार्क ने, ठीक। आप लोगों को बात होगी क्लियर। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप? तो यूरोप का मतलब क्या बोल सकते हैं हम? यूरोप का मरीज, प्रेसिडेंट मतलब क्या था? मरीज। तो मरीज किसे कहते हैं हम लोग यूरोप का? तो यूरोप का मरीज हम लोग का कौन होता है? टर्की होता है, कि इटली होता है, इंग्लैंड होता है, फ्रांस होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो कौन है? तो टर्की इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए टर्की को टिक मारिए, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप? तो यंग यूरोप के फाउंडर कौन थे? तो ये 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यंग यूरोप के फाउंडर कौन थे? तो ये यूरोप जो था उसका फाउंड कौन किया था, है ना? तो मज़िनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल। तो देखो मुसोलिन तो होंगे नहीं, गैरिबाल्डी जो थे वो तो नहीं थे, वो तो खाली इसका समर्थक थे। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो हमारी सिर्फ कौन बचे? मज़िनी साहब। तो ये मज़िनी को टिक मार के आगे बढ़ते हैं। आगे चलते, तो टीपू सुल्तान कहाँ के रूरल थे? तो टीपू सुल्तान जो है वो आपके मैसूर के रूरल थे। कहाँ के रूरल थे? मैसूर के रूरल थे। कहाँ के रूरल थे? मैसूर के, ठीक। आगे चलते हैं, तो आफ्टर वीच वार जर्मनी वाज यूनिफाइड? तो कौन सा वार के बाद जर्मनी जो है वो बन गया था? तो बैटल ऑफ सेडोवा के बाद आपका जो है वो जर्मनी यूनिफाइड हो चुका था, ठीक। व्हाट वाज गैरिबाल्डीज ऑक्यूपेशन? तो गैरिबाल्डी क्या था? एक तो रिवॉल्यूशनरी वो था ही, लेकिन एक तरह से वो पहले क्या था, है ना? तो रिवॉल्यूशनरी तो बाद में बना, वो पहले क्या था? तो पहले कांस्टेबल भी नहीं था, फार्मर नहीं था, लैंडलॉर्ड नहीं था। तो हमने लास्ट में जो बचता है वो सेलर था, ठीक है। चलिए आगे चले, जर्मन राइन स्टेट। तो जर्मन राइन स्टेट ये जो है ये कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया, आप लोग देख सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से पूछा गया इस क्वेश्चन को, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2016, 2014, 2022 में भी बचा है हमारे अगले साल के, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन, जल्दी बताइए। नेपोलियन, नेपोलियन थ्री, नेपोलियन बोनापार्टी, कौन सा होगा? जर्मन राइन। तो जर्मन राइन ने नेपोलियन बोनापार्टी ने बनाया था, ठीक। बात होगी क्लियर। वेयर डिड द वार बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया टेक प्लेस इन 1817? तो फ्रांस और प्रूसिया के बीच में कौन सा वार हुआ था, है ना? चलिए तो सेडोन, सेडोना वार, सेडोवा वार, सेडोन वार कौन सा होगा? तो हमारा सेडोन वार जो होगा वो होगा आंसर, ठीक है। चलिए हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? तो कौन सा है हमारे? तो मेटजनी है, मेटरनी का केवर, यानी कि ऑल ऑफ दीच, ठीक। आगे चलते हैं, तो द कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना वॉज हेल्ड इन? कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना, तो वियना कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो वो कब हुई थी ये बताना है। तो हम लोग को पता है ये 1845 में हुई थी, ठीक। आगे चलते हैं, जिनेवा ट्रीटी कब साइन हुई थी? तो जिनेवा ट्रीटी 1954 में हुई थी, ठीक। तो यहाँ तक थी हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर से इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आप लोग 20 में से कितने सही कर पाए, ठीक है। 20 में से कितने सही कर पाए जल्दी से बताइए, ठीक। चलिए हम लोग अब बढ़ रहे हैं अपनी सब्जेक्टिव की तरफ। चलिए सब्जेक्टिव को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग शॉर्ट प्लस लॉन्ग को देखने वाले हैं, और उसमें कौन कौन शॉर्ट रहेंगे वो और लॉन्ग उसमें मैं बताते चलूँगा, ठीक है। चलिए तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब जो आपको लिखना पड़े, है ना? तो ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग को टिक मारना है और ओएमआर भरना है, इसमें तो आप लोग को कॉपी में लिखना पड़ता है ना।
चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म से, इससे कोई और दूसरा चैप्टर, इस चैप्टर से नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो नेशनलिज्म क्या है, वो एक फीलिंग है, एक प्यार है किसके टुवर्ड्स, कंट्री के टुवर्ड्स, है ना, हमारे कंट्री के टुवर्ड्स। तो हम लोग के, अगर आप लोग इस हमारे इंडिया से प्यार करते हैं ना, तो वो आपके प्रति, इंडिया के प्रति एक क्या है, नेशनलिज्म है, क्या कहलाएगा, नेशनलिज्म, ठीक, बात होगी क्लियर, ठीक है। चलिए चले इस क्वेश्चन को और टाइम दें क्या। नेशनलिज्म जो है वो क्या है, फीलिंग है लव का किसके प्रति, अपनी कंट्री के प्रति, अपनी देश के प्रति, देश के प्रति, ठीक है। चलिए ठीक है, प्यार, प्यार की भाषा आप लोग जल्दी समझते हैं ना, यस, प्यार के प्रति आप लोग भाषा जल्दी समझते हैं, चलिए यस, तो प्यार आगे चले, यस। हु वाज मज़िनी, तो मज़िनी कौन है, तो मज़िनी कौन है ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। मज़िनी जो है एक लिटरेचर थे और एक सपोर्टर थे, रिपब्लिकन आइडियल्स के साथ साथ सपोर्टर भी थे, वो एक कैपेबल कमांडर भी थे। मज़िनी जो है वो सीक्रेट ग्रुप को बिलोंग करते थे जिसका नाम कार्बनियर था। मज़िनी फाउंडेड यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो मज़िनी ने बहुत सारे काम किए हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया। तो सबसे पहले हम लोग को पॉइंट लिखना है मज़िनी कौन है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आप लोग को ये लिखना है कि मज़िनी जो है वो एक लिटरेचर थे, लिटरेचर यानी कि समाजवादी भाव को वो ज़्यादा रखते थे, ठीक। ये सपोर्टर थे जो रिपब्लिकन आइडियाज़ को लेके चलते थे, ठीक है। कैपेबल थे कमांडर कैपेबल थे यानी कि वो कमांडर बहुत जल्दी काम करते थे। मज़िनी बिलोंग टू द सीक्रेट ग्रुप कार्बनियर को वो ज़्यादा बिलोंग करते थे, ठीक है। वो सीक्रेट ग्रुप भी बना चुके थे जैसे कि हमारा यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक, बात होगी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, तो ऑब्स्टिकल्स क्या थे जर्मनी के, तो जर्मनी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स तो ऑस्ट्रिया साम्राज्य था, लेकिन इसमें बात वो नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू अबाउट 300 स्मॉल एंड बिग स्टेट्स। तो जर्मनी जो है हमारी वो एक यूरोपियन कंट्री नहीं थी पहले, एक यूरोपियन कंट्री नहीं थी है ना, आप लोग जानते हैं वो 300 बड़े साम्राज्य में बटी हुई थी। तो वो जो साम्राज्य था वही बहुत मुश्किल काम आ रहा था, है ना, वो जहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस डिसपार्टीज थी, मतलब वो समर्थन नहीं कर पा रही थी अपनी। उसके बाद लैक था फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो नेशनलिज्म मतलब क्या होता है आप लोग समझ सकते हो कि देश के प्रति प्यार, आप लोग मैंने समझा दिया, ठीक है। चले ठीक, प्यारा नहीं प्यार, ठीक। चले आगे चलते हैं, तो व्हाट इज मैटर्निक एरा। अच्छा, एक ईरा हुआ था जब हमारे नेपोलियन बोनापार्टे ने, जब हम लोग नेपोलियन ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया, उसके बाद मैटर्निक युग शुरुआत हुआ, मैटर्निक एरा, है ना, उसके बाद मैटर्निक एरा का शुरुआत हुआ। वह मैटर्निक एरा का कब तक था, तो 1815 से 1848 तक, ठीक है, मैटर्निक एरा था, ठीक। चलिए, व्हाट वेयर द काउजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या क्या कारण थे, तो वो बताना है आप लोग को। तो फ्लोइंग वेयर द रीजन्स, तो कुछ रीजन्स हैं यहाँ पर, देखिए, लुइस फिलिप्स वीकनेस, लुइस फिलिप्स का अनसक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद इंक्रीज इन स्टारवेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट। क्या बात हो रही है, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले बात हो रही है कि लुइस फिलिप का वीकनेस, वो कमजोरी उसका, ठीक है, उसका कमजोरी, उसके बाद उसका अनसक्सेसफुल कहानी कि वो अनसक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी लाना चाहता था, उसके बाद स्टारवेशन, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में बढ़ गई थी, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, ठीक है, बात होगी क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका नाम है मेंशन टू अचीवमेंट्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना।
कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है चले, है ना। उसके बाद क्या है इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अचीवमेंट्स लिखना है, क्या क्या वो पा चुकी थी, है ना। तो यहाँ पर टू अचीवमेंट्स दी हुई है, तो सबसे पहले बॉर्बन डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड हो गई, है ना, री इस्टेब्लिश्ड हुई कांग्रेस वियना के द्वारा, ठीक है। उसके बाद लुईस 18 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, उसके बाद कांग्रेस वियना में क्या हुआ था कि किंग ऑफ फ्रांस को, किंग ऑफ फ्रांस का राजा को कौन बनाया, लुईस 18th बन गए थे, लुईस 18वां, जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक चल, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो इटली और जर्मनी का क्या बोल सकते हैं आप लोग, है ना, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया तो जो थी वो आपको बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल थी, है ना, इंटीग्रेशन यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी का। सिविल मूवमेंट वहाँ पर स्टार्टेड हो गई थी इटली का, रिवॉल्यूशन हुआ जब फ्रांस का होने के बाद, ठीक है। उसके सप्रेस्ड हो गई थी चांसलर मेटर्निक ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूटी वीज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टॉप्ड। ऑस्ट्रियन चांसलर मेटर्निक इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेसिव लेजिस्लेशन टू सप्रेस नेशनलिस्ट सेंटीमेंट इन जर्मनी विच एंडेड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक बात आप लोग को क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैरिबाल्डी का कुछ वर्क लिखना है, तो गैरिबाल्डी का कुछ वर्क आप लोग लिख देंगे। गैरिबाल्डी जो है वो बिलीव करते थे कि यूनिफिकेशन जो है इटली का वो पॉसिबल नहीं है वार के बिना, है ना। उसके बाद इसीलिए उन्होंने क्या अपनाया, एग्रीशन का पॉलिसी अपनाया। उसके बाद लाल कुत्ती का यानी कि लाल कुर्ती इसको बोला जाता है, लोकल फार्मर्स के द्वारा वो ऑथोरिटी और ओवर सिसाल एंड नेपल्स किए, दे वेर मर्ज इन सार्डिनिया एंड गैरिबाल्डी वांटेड टू अटैक द पोप एज वेल बट कैबू डिड नॉट अलाउ इट, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है चलिए आगे चले। तो फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी फॉर ऑफ विच पॉलिसी डिड बिस्मार्क अडॉप्ट, तो बिस्मार्क कौन सा अडॉप्ट लिया था, कौन सा पॉलिसी, तो मिलिट्री पावर का हुआ था, वो मिलिट्री पावर को अडॉप्ट किया था और सबसे बड़ा ब्लड एंड आयरन का नीति अपनाया था, ठीक चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है कि चैप्टर आउटलाइन क्या है, चैप्टर आउटलाइन किसका, चैप्टर आउटलाइन इन प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक समझ में आया आप लोग को। तो इस क्वेश्चन, इस वीडियो का आपका समरी एक बार दे देते हैं हम लोग, क्या देंगे एक बार समरी लिख देते हैं, समरी चलिए समरी जल्दी जल्दी से, यस समरी लिख दिया हमने, यस चलिए। तो समरी में हम लोग क्या क्या देखें, इसका क्वेश्चन आंसर करें या जो हम लोग कौन सा चैप्टर का और ऑब्जेक्टिव किया, कौन सा चैप्टर का, तो दो एक चैप्टर का किया हमने यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। चलिए कंप्लीट ये वाला चैप्टर आप लोग को, चले इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से, नथिंग आउटसाइड ही, नथिंग आउटसाइड, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, नथिंग आउटसाइड, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी चैप्टर आउटलाइन की तरफ। तो चैप्टर आउटलाइन में बता दूं मैंने कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो है आपका सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इसका हम लोग एक बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करने वाले हैं, ठीक है चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।